लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में चौथे चरण के लिए नामांकन जारी है। बीते 19 अप्रैल को तीसरे चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। तीसरे चरण के लिए राज्य में कुल 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इस चरण के लिए कुल 10 सीटों पर 182 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, लेकिन शनिवार को 78 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र निरस्त हो गया है। दरअसल 19 अप्रैल को तीसरे चरण का नामांकन खत्म होने के बाद 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच हुई। इस जांच के बाद तीसरे चरण के लिए 104 प्रत्याशियों का नामांकन वैध पाया गया है। बता दें कि तीसरे चरण के लिए 182 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संभल सीट के लिए 21 लोगों ने नामांकन किया है, इसमें 8 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त हुए हैं। अधिकारी के मुताबिक हाथरस में 18 नामांकन हुए थे, इसमें 8 नामांकन पत्र निरस्त हुए हैं। आगरा में सभी 11 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। नामांकन पत्रों के रद्द होने के बाद अब संभल में 13, हाथरस में 10, आगरा में 11 प्रत्याशी बचे हुए हैं। फतेहपुर सीकरी में 19 लोगों ने नामांकन किया था, इनमें 9 नामांकन पत्र निरस्त हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा नामांकन फिरोजाबाद में निरस्त किए गए हैं। फिरोजाबाद सीट के लिए कुल 22 नामांकन हुए थे, इसमें 15 के नामांकन पत्र निरस्त हुए, जबकि 7 के वैध पाए गए हैं। बात करें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की, तो यहां 12 में 4 नामांकन पत्र निरस्त हुए हैं, जबकि 8 के नामांकन पत्र वैध पाए गए। इन सब के बीच बसपा को बड़ा झटका लगा है। बरेली लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार छोटेलाल गंगवार के कागजात में पाई गई कमी के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन निरस्त कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सपा प्रत्याशी ने 2 नामांकन दाखिल किए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।